हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज विलोम शब्द का हम लोग पार्ट 5 करेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। आर ओ ए आर ओ मीन्स के लिए विलोम शब्द इसका लास्ट पार्ट होगा। और फिर इसके बाद जल्द ही बहुत सारे वीडियोस जो कि हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं हम लेकर आएंगे। जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर आपके काम की बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विलोम शब्द पार्ट 5। इसके शब्द देख लेते हैं। इसका आज का पहला शब्द है विषाद। विषाद का इसका विलोम शब्द होता है आहाद। वन्य का पालित, विकर्ष का आकर्ष, वियोग का संयोग, विशेष का सामान्य। अब इसके बाद श, स, श और ह, इन चार वर्ड्स का जो भी विलोम शब्द होते हैं उसके संबंध में हम लोग देख लेते हैं। तो शोषण का होगा पोषण, शरण का अशरण, श्वेत का श्याम, शिव का अशिव, शकुन का अपशकुन, शत्रु का मित्र, शुष्क का होगा आर्द्र, श्लील का अश्लील, शांत का अशांत। श्लील इम्पॉर्टेंट है, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वक्र का रिजु, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि का होगा हाश, विनाश का होगा निर्माण, विशाल काय का लघु काय, विसर्जन का सर्जन। नेक्स्ट है शीत का उष्ण, शयन का जागरण, शुभ का अशुभ, शासक का होगा शासित, शुक्ल का होगा कृष्ण, शोक का होगा हर्ष, सूचि का असूचि, शोषक का होगा पोषक या शोषित, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका, शोषक या शोषित। श्रव्य का होगा अश्रव्य या दृश्य, दोनों में से जो भी ऑप्शन हो उस पर आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्री गणेश का इति, ये इम्पॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुका है कई एग्जाम्स में। श्रद्धा का अश्रद्धा, शंड का मंड मर्द, सगुण का निर्गुण, सक्षम का होगा अक्षम, सज्जन का होगा दुर्जन, सत का होगा असत, सूम का होगा दाता, स्पृश्य का होगा अस्पृश्य, सपूत का होगा कपूत, साकार का निराकार होगा, सदाशय का दुराशय होगा, सुख का दुख, सत्य का असत्य, श्रांत का अश्रांत, श्रृंखला का विश्रृंखला, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा श्रृंखला का विश्रृंखला होता है, सणत्व का पुंसत्व, स्वजाति का विजाति, सकाम का होगा निष्काम, सन्यासी का गृहस्थ, सुंदर का कुरूप, सुनाम का दुर्नाम, साक्षर का होगा निरक्षर, स्वर्ग का होगा नर्क, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय इम्पॉर्टेंट है ये, सबल का निर्बल, स्थिर का चंचल इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और संकीर्ण का विस्तीर्ण ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात कर लेते हैं। सत्य का असत्य, शुकर का दुष्कर, स्वल्पायु चिरायु, सुलभ का दुर्लभ, संग का निसंग, हास का वृद्धि। इधर संकीर्ण का विस्तीर्ण, सादर का निरादर, स्वकिया का परकिया, सभ्य का असभ्य, हर्ष का शोक या विषाद, कुछ भी लिख सकते हैं, हिंसा का अहिंसा, हस्व का दीर्घ, ये इम्पॉर्टेंट है, हस्व का दीर्घ, सहयोग का प्रतियोगी, सहयोगी का प्रतियोगी, सामान्य का विशिष्ट, सजल का निर्जल, सच का झूठ, संधि का विग्रह, सदय का निर्दय, सवर्ण का अवर्ण, सुकृति का कुकृति, ये इम्पॉर्टेंट है, सुकृति का कुकृति, सम का होगा विषम, सरल का होगा कठिन, सुधा का होगा गरल, सर्द का होगा गर्म, सुगम का होगा दुर्गम, संगठन का होगा विघटन, सुबह का शाम, स्वप्न का जागरण, सरस का नीरस, सरस का नीरस इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जैसे सुकृति का कुकृति हम कर चुके हैं। समाज का होगा व्यक्ति,
सम्मान का अपमान, सहज का दुष्कर या कठिन, स्थावर का जंगम, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वार्थ का परमार्थ, स्वाधीन का पराधीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सापेक्ष का निरपेक्ष, सार का असार, सुभग का दुभग, सौभाग्य का दुर्भाग्य, स्तुति का निंदा, सुमति का कुमति, सत्कार का तिरस्कार, सात्विक का तामसिक, सुशील का दुशील, सपद का विशद, हंसना का रोना होगा, सरस का होगा नीरस, संपन्न का होगा विपन्न, ससीम का होगा असीम, स्थूल का होगा सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्मरण का विस्मरण, स्वदेशी का परदेशी, संगत का होगा असंगत, सार्थक का होगा निरर्थक, शामिश का निरामिश, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुगंध का दुर्गंध, सुराज का दुराज, स्वतंत्र का परतंत्र, सदाचार का कदाचार या दुराचार, सहयोग का होगा वियोग, समास का होगा व्यास, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सम्मुख का होगा विमुख, समष्टि का व्यष्टि, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हाश का होगा रुदन, हार का होगा जीत। तो आज ये विलोम शब्द का पार्ट 5 यहीं ख़त्म होता है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर दे दूँगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।